हेलो एंड वेलकम, माई सेल्फ सुखजिंदर सिंह मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ आज सनम तेरी कसम। मेन लीड एक्टर में है हर्षवर्धन राणे, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा से बॉलीवुड में आज डेब्यू किया है, और मावरा होकेन जो पाकिस्तान से हैं, और स्पोर्टिंग कास्ट में हैं हमारे पास मुरली शर्मा और विजय राज, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राधिका राव और विनय सप्रू ने। मूवी तीन टूल्स को लेकर बनाई गई है, दैट इज फैमिली, फ्रेंडशिप और लव। तीनों अपना अपना रोल पूरा अदा कर रहे हैं मूवी में। स्टोरी के बारे में बात करूं तो सरू मावरा होकेन ने करेक्टर प्ले किया और इंदर हर्षवर्धन राणे ने करेक्टर प्ले किया। तो मूवी में स्टोरी में कुछ ऐसा है कि सरू जो गुड लुकिंग है लेकिन गुड लुकिंग बन के नहीं रहती, तो उनके कारण उसके फैमिली में आके शादी नहीं हो रही। ऑन दी अदर हैंड इंदर जेल से अपनी सजा काट के आए हैं क्राइम में। तो इन दोनों में एक स्टोरी चलती है, इनकी फ्रेंडशिप होती है और इनमें एक बहुत ही अटैचमेंट हो जाती है स्टोरी में। तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता स्टोरी के बारे में क्योंकि इट विल बी अ स्पॉयलर। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी फील्स के बारे में बताता हूँ कि इमोशनल टचेस बहुत अच्छे हैं, और मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि सारी फिल्म में लव स्टोरी नहीं है। सारी फिल्म में ऐसा नहीं है कि हाँ यार लव ही चल रहा है, लव ही चल रहा है। कैसे एक स्टोरी शुरू होती है दो करेक्टर्स के बीच में, कैसे अट्रैक्शन होती है, कैसे एक फ्रेंडशिप अपना रोल अदा करती है, तो ये सारा कुछ है स्टोरी में। मुझे दो जगह पे स्टोरी थोड़ी वीक लगी, वहाँ पे एक बीच में थोड़ा सा पार्ट ऐसा आ जाता कि आप बोर हो जाते हो, और सेकंड चीज़ मुझे एंड में थोड़ा सा इशू लगा, तो इस कारण मुझे थोड़ी सी कमियाँ महसूस हुई स्टोरी में। अदरवाइज़ इट स्टोरी में बिल्कुल नई तरीके की स्टोरी है, बहुत ही नया यूनिक कंसेप्ट है, आपको मस्ट वॉच मूवी आई है। बात करता हूँ मूवी के डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन जैसे कि मूवी एक लड़का और लड़की के ऊपर है, और मूवी ऐसे डायरेक्टर भी दो हैं इसके, एक लेडी और एक जेंट्स, तो दोनों ने स्टोरी को लिखा और डायरेक्शन की है। तो उन्होंने दोनों पहलू पे स्टोरी पूरी पूरी बनाई है। अगर लड़के के ऊपर फोकस है तो बहुत ही अच्छे से बनाया है उस तरीके से, अगर लड़की के ऊपर फोकस है तो पूरा उसके ऊपर फोकस डाला हुआ है। कहीं भी कोई भी करेक्टर लेट डाउन नहीं हो रहा, करेक्टर वहीं पे बरकरार रहते हैं और उनकी स्टोरी भी बिल्कुल पेज टू पेज चलती रहती है। तो डायरेक्शन ठीक है। सिनेमेटोग्राफी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी जगह पे बहुत ही, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ डायरेक्टर्स के दिमाग में कुछ सिचुएशंस थी, उन्होंने उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन गानों को बनाया या उस जगह को सिनेमेटोग्राफी दी है, उस जगह को उस तरीके से निखारा है। बाकी मूवी नॉर्मल ही है, नॉर्मली तरीके से बनाई गई है। म्यूज़िक मूवी का काफ़ी अच्छा है, और हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है, तो काफ़ी उन्होंने जान डाली हुई है मूवी में, और जो इमोशनल सीन आते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि म्यूज़िक इतना अच्छा दिया डाला है, बैक स्कोर इतना अच्छा दिया हुआ है कि डेफिनेटली आपको म्यूज़िक से ही आपको इमोशनल फील आती है, आपका रोना भी आ जाता है कई बार। कुछ सीन ऐसे हैं जैसे शादी वगैरह के सीन है, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो बिल्कुल शहनाई वाला वैसा ही बजाया गया, और मूवी में दो तीन गाने हैं जैसे कि खींच मेरी फ़ोटो और सनम तेरी कसम, जो कि बहुत ही हिट गाने हैं। तो उनका म्यूज़िक और उनकी सिनेमेटोग्राफी बीच में बता दूंगा उनकी, तो बहुत ही अच्छी बनाई गई है। मुझे ये म्यूज़िक वाला पहलू बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। एक्टिंग के बारे में कुछ बात करूँ तो हर्षवर्धन जो पहले भी काफ़ी फिल्में कर चुके हैं और उनकी एक्टिंग वैसी है, उनकी एक्टिंग एक अग्रेसिव रोल है, उनका एक एटीट्यूड वाला रोल है, वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और लेकिन उनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है। मावरा होकेन ऑन दी अदर साइड वो एक पहले बहुत ही चुप चुप रहती हैं पूरी फिल्म में, फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर वो बोलने भी लगती हैं, डांस भी करती हैं, और उनकी एक्टिंग में थोड़ी जान डालती है, इमोशनल फील पैदा करती हैं। और हर्षवर्धन की एक्टिंग भी उनको सपोर्ट करने की है, वो भी साथ में इमोशंस को पूरा कंट्रोल करते हैं, उनको पूरी केमिस्ट्री बनती है, उनकी केमिस्ट्री दोनों की काफ़ी अच्छी है। लेकिन मुझे मावरा होकेन की एक्टिंग थोड़ी कम लगी, थोड़ी कमी लगी उस एक्टिंग में, उनकी एक्टिंग कुछ और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। हर्षवर्धन की एक्टिंग ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा अग्रेसिव रोल मिला हुआ है लेकिन उनको ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन दिखाने का मौका नहीं मिला, उनको ज़्यादा कुछ और दिखाने का मौका नहीं मिला कि अपनी एक्टिंग में कुछ दिखा सकें। तो इस तरीके से जितना उनका रोल दिया गया था उस तरीके से उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन मावरा होकेन को काफ़ी चीज़ें दी गई थी, कभी हंसना, कभी रोना, कभी नाचना, कभी गाना, तो उस तरीके से मावरा होकेन का रोल थोड़ा सा कम ही रहा है। उनको रोल अच्छा रहा है लेकिन उनकी एक्टिंग थोड़ी कम रही है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में मुरली शर्मा, विजय राज, उनका करेक्टर काफ़ी अच्छा है। विजय राज के तो स्पेशल शॉट्स आते हैं, तो उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से जो भी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। रेटिंग की बात करूँ तो मैं मूवी को 3 स्टार रेटिंग दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मूवी देखने थिएटर ना जाओ। मुझे
मैं जरूर चाहता हूँ कि कपल जरूर मूवी को देखने जाएं, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी उनको जरूर प्रभावित करेगी। और ये इसमें एक खास पहलू है कि अगर आप इस मूवी को देखते हो, आपको अपने पार्टनर के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का पता चलेगा, आपको एक मोटिवेशन आएगी उसके प्रति भी। तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप ये फिल्म जरूर देखने जाएं। अगर आपको मेरी मूवी के रिव्यू अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए प्लीज़ अगर मैं और कुछ आगे कर सकता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।